And I, Smriti, welcome you all to the Notice Board by Legal Edge Law School, जहाँ पे within 10 minutes हम आपको legal world के around की सारी opportunities का quick snapshot देते हैं. So let's begin with the very first segment, that is internships. Jumpstart 2.0, CRY की एक online voluntary program है जो कि वो लेकर आ रहे हैं. CRY, I think आप लोगों ने बहुत सुना होगा. It's a very renowned NGO. 1 February से लेके March 16th तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 29 January. सो फटाफट अप्लाई कर दीजिए. इसके अलावा संबल्ज एक और एनजीओ है जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल एड में काम करती है. वो लोग वर्क फ्रॉम होम की एप्लीकेशन लेकर आए इंटर्नशिप में. कोई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, सो बस अप्लाई नाउ. इंटर्नशिप अगर आप दिल्ली में देख रहे हो, सो स्काईवर्ड्स लॉ, एक बुटीक लॉ फर्म, आपके लिए लाया है एक पेड ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम नोन एज स्काई टिकट, जिसके लिए आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हो फॉर द मार्च ऑगस्ट इनटेक और जून में अप्लाई कर सकते हो फॉर द सितंबर टू नेक्स्ट फेब्रुअरी इनटेक. इसी के साथ साथ शुरुआत फाउंडेशन, विच इज ऑल्सो एन एनजीओ, वो लाया है एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दैट इज टोटली ऑनलाइन, जिसकी ड्यूरेशन 4 weeks होगी और जिसके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा सेल्वाडोर राघव एंड कंपनी एक बुटीक लॉ फर्म है जो कि साउथ दिल्ली में लोकेटेड है. क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट लगने वाले स्टूडेंट्स, आप दिल्ली में अगर हो तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगेन, कोई लास्ट डेट नहीं लिखी हुई है, तो फटाफट अप्लाई कर देना. इसके अलावा द्वारा होल्डिंग्स भी लेकर आ रहा है एक इंटर्नशिप, पर वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है. सो फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट्स या फोर्थ या फिर थर्ड ईयर विद अ 3 year लॉ कोर्स, आप अप्लाई कर सकते हो. इसकी लोकेशन चेन्नई, तमिलनाडु है. फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत कुछ है. सो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एट SDS Advocates, जो कि दिल्ली एंड बैंगलोर बेस्ड फर्म है, जिसके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आपको थोड़ा पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है, सो वी ऑल्सो हैव इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च जो दिल्ली बेस्ड है, जो फिर से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो. Now moving on to the next segment, that is jobs. First job application है जिसकी last date of application है 25th of January, जो कि है trainee officer at NHPC Limited. NHPC Limited एक government की enterprise है जो कि hydropower development में काम करती है. और सताक्षी, बहुत renowned firms कुछ और job applications भी लेकर आई है. Oh, that's nice for you all. कौन सी है? Yes, so the first in line is Luthra and Luthra, जो All India All Offices के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं. 2 to 4 years का आपको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए. सो फर्स्टली फटाफट अप्लाई कर दो. अप्लाई ऑन नाउ बेसिस पर ही है, कोई लास्ट डेट नहीं दे रखी है एप्लीकेशन की. इसके अलावा LKS, जो कि फुल टाइम सर्विस लॉ फर्म है और बहुत ही रिनाउंड है, कॉम्पिटिशन लॉ टीम के लिए हायर कर रही है. तो अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 year का, या फिर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी है, तो उनके दिल्ली लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. मूविंग ऑन टू अनदर सेगमेंट, दैट इज कॉल फॉर पेपर्स. एंड द फर्स्ट इन लाइन वी हैव January 30 को NLUA, जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी आसाम ने निकाला है, इज इनवाइटिंग फॉर कॉल फॉर पेपर. रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल्स की लिमिट है 5 to 8K thousand. केस स्टडीज कमेंट्स की लिमिट है 3 to 4K thousand. एंड बुक रिव्यूज की 2000. सो ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ IPR अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप फटाफट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. इसी के साथ में 30th January की एप्लीकेशन डेडलाइन के साथ में इंडियन फैमिली सिस्टम कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर NLU दिल्ली भी अपना एक कॉल फॉर पेपर का सेगमेंट लेकर आ रहा है. दोनों ही केसेस में ऑनलाइन सबमिशन है, सो अप्लाई नाउ. जर्नल ऑन कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस NLU जोधपुर आपके लिए लेके आया है, जिसमें आप अलग अलग तरीके के पेपर्स सबमिट कर सकते हो. लॉन्ग आर्टिकल 6 to 7,500 words के, शॉर्ट आर्टिकल्स 5 to 6,000 words के, और एसेज अबाउट 4 to 5,000 words. द बेसिक थीम इज न्यू डेवलपमेंट इन बिजनेस लॉज, मेंडिंग द फेलियर्स और बोल्स्टरिंग द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस. लास्ट डेट 31st January. NMIMS का स्टूडेंट लॉ रिव्यू भी कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज पे कॉल फॉर पेपर लेके आया है, जिसमें academicians, practitioners, researchers, all of these people can submit.
अंडरग्रेड स्टूडेंट से यूजुअली वो पेपर्स लेते नहीं है, बट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ दे फाइंड इट वर्दी दे डू एक्सेप्ट इट एज वेल. Again, the word limit 6 to 10 for long articles, 3 to 5 for short articles, and 1500 to 3k for case notes and comments. Last date 31st Jan. इसके अलावा RML का जर्नल आ रहा है कम्युनिकेशन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी लॉ पे. उनकी थीम है कोई भी कंटेम्प्रेरी लीगल इशू कनेक्टेड विद मीडिया लॉ एंड फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. आर्टिकल की लिमिट 5 to 7,000, केस नोट्स की लिमिट 2 to 3,000, सेम गोज फॉर बुक रिव्यूज एंड एसे की लिमिट 4 to 5,000. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 3rd of February. और लास्टली 15th of February के साथ में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी CRIL जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी का वॉल्यूम 2 आ रहा है कॉल फॉर पेपर. सारे ऑनलाइन सबमिशन में है और थीम है एनी कंटेम्प्रेरी और पर्टिनेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसी. वर्ड लिमिट मोर और लेस 5000 से लेकर 8000 वर्थ फॉर लॉन्ग आर्टिकल. शॉर्ट आर्टिकल के लिए 3000 to 5000, केस नोट केस स्टडी के लिए 1500 to 3000 एंड बुक रिव्यूज के लिए 1000 to 2000. Moving on to the last segment of the news, that is miscellaneous activities. So miscellaneous activities में ना मेरे पास आपके लिए इस बार 3 activities. सबसे पहले call for blogs on privacy concerns आया है in the field of medicine by DNLU Jabalpur, जिसकी थीम है privacy concerns जो medicine से related होती है, with a word limit of 1800 to 2k, last date 31st Jan. Sparkle 4.0, it is the 4th National Law Fest by KLE Law College, Mumbai. इसके लिए आप apply कर सकते हो January 31st तक, और इसमें बहुत 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 सारे law competitions हैं. And lastly, एक National Judgment Writing Competition भी हो रहा है by IMS Law College, Noida, जिसमें minimum 1500 words and maximum 3k words तक के submissions allowed हैं. So, last date for registration is 10th January and last date for submission of the judgment is 25th February. So, apply now. Okay, so let's move on to the final segment and the excited one. All the applications jo ki rolling basis pe allowed hain. So, let's start off. So, the first up we have RML NLU ka Kautilya Society blog, jo basically Indian legal policy pe applications mang raha hai. Word limit 1000 to 1500 words. Juru Kresia, a call for blog ke liye application hai. Any topic related to law, you can submit. All India Legal Forum भी blogs मांग रहा है around any contemporary issue in the field of law. Maximum word limit is 2k words. Now the call for paper under the Journal of Applicable Law and Jurisprudence, जो कि Center of Academic Legal Research ने अपने volume 3 के लिए निकाला है. Word limit is 3000 to 7000 words. Call for blogs पे एक application है Restructuring and Insolvency Law Journal, जो NLU Kochi का एक journal है. वो किसी भी bankruptcy या corporate law से related applications मांग रहा है and the word limit is 1000 to 1500 words. New Delhi में internship है Center of Policy Research. 1 month stipend है 20k. Rolling basis पे admission है. फटाफट apply कर दो. Internship opportunity एक और है New Delhi में, पर ये सिर्फ और सिर्फ final year students और 5 year and 3 year वालों के लिए है. CADR जो majorly revolve करता है ADR, that is alternative dispute resolution के around, उन्होंने applications खोली हुई हैं. और न्यू दिल्ली में प्रोजेक्ट 39, जो NLU दिल्ली का एक बहुत रेनाउंड प्रोजेक्ट है, उन लोगों ने एप्लीकेशन खोली है रोलिंग बेसिस पे. इट्स अ फुल टाइम NLU दिल्ली कैंपस में प्लेसमेंट इंटर्नशिप, 4 वीक से लेकर मैक्सिमम 12 वीक तक. अब थोड़ा दिल्ली से बाहर चलते हैं ना. अगली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इज इन मुंबई बाय सॉर्टिंग टैक्स, विच इज अ मुंबई बेस्ड फर्म जो कॉर्पोरेट टैक्स में मेजरली डील करती है. और यहाँ पे भी 4th और 5th ईयर के बच्चों को ही प्रेफरेंस है एंड द ड्यूरेशन इज 3 months. और बाहर चल के थोड़ा हाइब्रिड इंटर्नशिप भी है रोलिंग बेसिस में. NLIU भोपाल की रिसर्च इंटर्नशिप, जो उनकी ई ज्ञानगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर है. सो इट्स अ रिसर्च लेवल प्रोजेक्ट, रोलिंग बेसिस पे. फटाफट अप्लाई कर दो. So the LELS family, that's it for this Friday. We both hope to see you next Friday again, same time, same place, for more updates around the legal world. And don't forget to like, subscribe and share. Thank you.